और इस व्लॉग में आप लोग को देखने को क्या मिलेगा, अक्सर मुझे सवाल आते हैं, अक्सर मेरा DM फ्लड हो जाता है सवाल से कि मैं अपने बालों के साथ क्या करती हूँ, मैं कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ, इफ़ आई डू सो मैं कौन सी ऑयलिंग करती हूँ, किस तरह की ऑयलिंग करती हूँ, ऑयलिंग के भी तरीके होते हैं, इफ़ यू गाइज डू नॉट नो दैट, इफ़ आई डू सो अगर मैं करती हूँ तो वो कौन सा होता है। मैंने हर बार ये बोला कि मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ, बट आई डू गो फॉर दिस ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट आप इस ब्लॉग में अभी देखेंगे। मैं A to Z सब कुछ बताऊँगी, उसके क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या प्राइजेस हैं, कहाँ से मैं करवाती हूँ। मेरे आफ्टर बाल हैं, बिफोर बाल नहीं है, वो आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा कितना डिफरेंस आया है। ओके, बालों में मैं कौन सा ट्रीटमेंट लेती हूँ, दैट इज़ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, sort of hair rebonding, hair relaxing आप वैसा कह सकते हैं, but hair rebonding के जितना मेरी नॉलेज है उसके जो केमिकल्स होते हैं दे आर रियली रियली हार्श, वो आपके बालों को फुल डेडिस्ट्रेट कर देते हैं। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आप अगर बालों में बहुत कलर करते हैं और आपके बाल अगर डैमेज हो जाते हैं उस कलर की वजह से, वो उस चीज़ को रिपेयर करता है और हाँ आपके बाल भी स्ट्रेट कर देता है। सो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट आई गो फॉर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ, अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने का सोचेंगे तो एक चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि इस ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है, आपके 3-4 घंटे, मैं एक रफली बता रही हूँ, बट बहुत टाइम लगता है। तो आप टाइम निकाल के सुकून से जाइएगा इस ट्रीटमेंट के लिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। मैं सिर्फ आप लोग के लिए ये वीडियो की है क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सवाल करते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपका एक क्रीम लगता है। बेसिकली क्रीम क्या करता है, आपके जो हेयर टेक्सचर है, बेसिकली अगर आपका हेयर कर्ल है या रफ है जो भी है, उस टेक्सचर को ख़त्म करता है, तोड़ता है, वॉश होता है, फिर स्ट्रेट होता है, एंड वो स्ट्रेट होने के बाद जो सेकेंड क्रीम है उस सबको जो तोड़ दिया और स्ट्रेट कर दिया उस सबको फिक्स करता है। और मेरी पहली क्रीम लग चुकी है, अब ये वॉश होगा और उसके बाद दूसरी क्रीम्स लगेगी, तो हम वॉश पे जा रहे हैं। ये अपने बाल करवा रही है, मेरा बर्गर ठंडा हो जाएगा उसके तो कुछ ख्याल। और ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती। अम्मी ने बाहर अपने लिए कुछ खाने को मंगवाया, मैं कह रही हूँ कि आगे मैं एक क्लिप बनाए। तो जो ब्रांड मैंने यूज़ किया है वो है ची, जो उन्होंने यूज़ किया है। जैसे हम हेयर कलर करके हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो अपने हेयर कलर करके अपने बाल से थोड़ा परेशान हो गए कि उनके बाल डैमेज हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग यू गाइस शुड टेक, और दिस इज़ अ ट्रीटमेंट दैट आई गो फॉर, और इन्हीं से ही करवाती हूँ, इन्हीं पर ही ट्रस्ट करती हूँ इस चीज़ पर, हमेशा इधर ही आती हूँ मैं। जो मेरी गिने चुनी जगहें हैं, जहाँ जहाँ मैं गिने चुनी जगहें पे जाती हूँ, उन्हीं चीज़ों का मैं आप लोग को डिटेल वर्जन दिखाती हूँ। हेयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करते हैं, कोई भी हो, वो सब बाहर से रिबॉन्डिंग, हाँ बाहर से मंगवाते हैं, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कटिंग। इन दी एंड मैं आपको यहाँ की ओनर का भी इंटरव्यू दिखाऊंगी, उनसे बात करूंगी, वो फर्दर आपको और डिटेल में बताएंगी। अच्छा, अभी मेरी ट्रीटमेंट लग रही है, कि कौन सी ट्रीटमेंट है तस्के? हेयर ट्रीटमेंट लग रही है, ठीक है, ये इंफ्रा ट्रीटमेंट। अच्छा, ये भी मेरा फर्स्ट क्रीम वॉश हो रहा है, इसके बाद आई थिंक स्ट्रेट होंगे, फिर हाँ ड्रायर होगा, इसके बाद ड्रायर होगा, फिर स्ट्रेट होगा। ये हो गया मेरा वॉश, अब तक ड्राई हो तब तक मैं भी कुछ खा लूँ, बहुत भूख लगी है।
गेटिंग माई आई ब्राउ सॉर्टेड गाइस, डिफरेंस चेक करें आप, यहाँ पे मेरे सारे बाल निखरे हुए हैं, ये बनी भी नहीं है, और ये बनने के बाद कितनी चेंज आ, शक्ल निखर जाती है, बहुत चेंज आ जाता है। फोर गरम गरम लग रहा है ये, इतना मज़ा आ रहा है, लग रहा है गरमाइश मिल रही है, इनका जब भी जा रहा है मेरे बालों में नींद आ रही है। और जब तक मेरे बाल सूख रहे थे मुझे मौका मिला, मैं ज़पुटा जैसे इंसान बन गई, मैंने अपने आईब्राउज अपर लिप्स और फोरहेड भी क्लीन करवा दिए। टाइम को सेव करना है, उस चीज़ को भी यूटिलाइज करना है। अभी बहुत गुस्से में, अभी मुझे 2 घंटे और लगे, इस ट्रीटमेंट को बहुत टाइम लगता है। से इंटरव्यू होगी इनसे, ये सब आपको बताएंगी, बस अब अम्मी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मेरा जल्दी से हो जाए। मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, अब मेरे बाल स्ट्रेट होने लगे हैं। बालों का टेक्सचर है वो रफ नहीं है और ना ही वो कर्ली है, मेरे बालों का अपना टेक्सचर भी स्ट्रेट ही है, बट इस ट्रीटमेंट से मेरे बाल थोड़े और अच्छे हो जाते हैं, शाइन आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है, और क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो जब वो बढ़ते हैं तो मर्ज हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि मैंने अभी कराया है कि 2 साल पहले। मेरा तकरीबन सवा साल और ऑलमोस्ट 2 साल तक मेरी ट्रीटमेंट चल जाती है, क्योंकि मेरे बाल ब्लेंड हो जाते हैं। अगर आपके बाल कर्ल हैं तो जब आपके बाल निकलना स्टार्ट करेंगे तो वो पता चल जाएगा डिफरेंस। बाल कटवाने तो इतने बड़े बाल थे इनके, कटवाती जा रही थी, मैंने कहा बस बहुत हो, मैं कितना रोई थी जब आपके बाल कट रहे थे अम्मी, आपको याद है राघव भी आप थी तब, भाभी ने काटे थे, आप ही ने काट रही थी भाभी से, बहुत मैं रो रही थी, बस और नहीं और नहीं। हाँ अब तो खुद ही काट ली थी, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो मैं अपने बालों को खुद ट्रिमिंग दे देती हूँ, खैर मुझे छोटे नहीं कराने होते। अम्मी मैं अंधी हूँ, मुझे दूसरी नजर नहीं आता, आपको मेरे करीब आना पड़ेगा। अच्छा मेरी स्ट्रेटनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी सी रहती है एंड देन ये होगा। स्ट्रेटनिंग के बाद हमारे लगेगा फिक्सर। ओके गाइस मेरी स्ट्रेटनिंग हो गई है, दो मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अब एक फिक्सर लगेगा और उसके बाद फिर वॉश होगा और फिर हमें फाइनल रिजल्ट पता चलेंगे। बट क्योंकि अम्मी को थोड़ी जल्दी है तो मैं घर जा रही हूँ, मैं कल आऊँगी, पर ये चीज़ हमें नहीं करनी होती है, ये चीज़ भी तो मैं जा रही हूँ घर, पर ये चीज़ हमें नहीं करनी है क्योंकि चांसेस हैं कि मेरे बालों में यू नो पसीना लग सकता है, थोड़ा पानी लग सकता है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो बेहतर है आप एक ही दिन में सारा करके फारिग हो। ओके गाइस वेलकम बैक, ये है नेक्स्ट डे और इस वक्त 12 बज रहे हैं और मैं वापस आ गई हूँ यहाँ पे अपनी बाकी की फिक्सिंग वगैरह जो बाकी हमारे स्टेप्स रहते थे वो लेने। ये है मेरे नेक्स्ट डे का हेयर रिजल्ट, कल इन्होंने किया था और आज भी अच्छा खासा ये आया हुआ है, बट अभी इस चीज़ को ये चीज़ अभी फिक्स होगी, फिक्सर लगेगा और फिर मेरे बाल इंशाल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत से हो जाएंगे। तो या अभी हम दोबारा स्टेप लेने जा रहे हैं, अभी क्या होगा, अभी दोबारा स्ट्रेट होगा, देन फिक्सर होगा, वॉश होगा, ड्राई होगा। जीजू कैसे है, अच्छा वॉश हो जाएगा, शुक्र मेरे बाल धुल जाएंगे, मेरे बाल शुक्र धुल जाएंगे, मुझे थोड़ी देर में मतलब 4-5 बजे तक मुझे हैदराबाद के लिए भी निकलना है, तो बहुत सारा काम है, टाइम ज़ाया नहीं करते और काम जल्दी से लेना स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त गाइस बकरी लग रही है, बट द रीज़न हम तो दोबारा स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बहुत बुरा सा एंगल है, बट इट्स ओके बियर विद इट। ये दोबारा स्ट्रेटनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं घर चली गई थी और जस्ट इन केस अगर कोई बल आ गया है
तब वो प्रॉपर स्ट्रेट करेंगे। बताओ ये है हमारी तस्कीन जो मेरे बालों पे करने वाली है, बहुत पुराने हैं आगे हमारे। हम कितने टाइम से आ रहे हैं आपके पास? मुझे तो खैर 9 साल हो गए सैलून में। और हम कब से आ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से उससे पहले से ही आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तब आप नहीं थी। हम उससे पहले से आ रहे हैं, इन लोगों ने शिफ्ट की है। तो यही है हम लोग के भरोसेमंद लोग। और हमें बकरी लग रही है बहुत ज़्यादा। पहले बताती तो मैं बंद करके चली जाते। तुम गई उसके काफ़ी देर तक, हम लोग बैठे रहे थे, बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ऐसे एकदम वो भी ना पतली दुबली पतली, और फेस से भी भाभी की फेस से ऐसा पता चलती बनेगा पक्का पानी का पता चलता है जब आपके अंदर वो जो चीज़ आती है आप सब तक आना। मेरे अंदर ये जज्बात नहीं बनता। अच्छा तो यह लास्ट स्टेप जो फिक्सर लग रहा है लगा था, अब वो वॉश हो रहा है। इससे जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट्स लगाई हैं, क्रीम लगाई, वो चीज़ को फिक्स कर देगा। फिर मैं उसका बाल उस टेक्सचर में उसी टेक्सचर में रह जाएगा जिस टेक्सचर जो हमने आयरन किया था, आयरनिंग को फिक्स करने के लिए। फर्स्ट क्रीम में हमने बाउंड तोड़ा था, फर्स्ट क्रीम में इन्होंने बाउंडर तोड़ा था, फिर दस्की सेकंड पे हमने आयरन किया, देन सेकंड एप्लीकेशन जो होती है वो फिक्सर होती है जिसमें हम फिक्स कर रहे होते हैं। फिर अच्छा ये लगा रहे हैं हेयर मास्क है ना? हाँ। ये किस चीज़ के लिए? ट्रीटमेंट होता है। अच्छा एक ट्रीटमेंट है जो एंड में लगता है बालों को फ्रेश और लुक देने के लिए। मैं फिर कहूँगी इन बालों का, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तस्कीन को 9 साल हुए और हम 2010 में जब हम लोग थे तब मैं अपार्टमेंट से शिफ्ट हुई थी और तब से मैं इधर ही आ रही हूँ, मतलब इन्हीं के पास आ रही हूँ। और अब तक 2020 हो गया, 10 साल से ये हमारे बालों की खिदमत। बालों की नहीं, हर चीज़। हाँ, फेशियल ब्लीच, इनका फेशियल अच्छा होता है और मेकअप, हेयर स्टाइल, मतलब ये हमारे हम इनके क्लाइंट हैं, हम इन्हीं के पास आते हैं। और सिंस आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं अपने बालों के क्यों करती हैं आप, क्या करती हैं क्या करती हैं, मैं अपने बालों में कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं करती। ये एक ट्रीटमेंट है जो मैं लेके आई हूँ और ऑनेस्टली यही बहुत हो जाता है, इससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बिलाल के निकाह पे लिया था और अब की मेरा बेस्ट फ्रेंड का निकाह है। मैं बहुत बुरी से नहीं आ रही हूँ कोई बात नहीं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बाल अगर अच्छे हो जाए ना बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मेरा फिक्सर लग गया और मेरे बाल भी वॉश हो गए हैं। मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी, अभी थोड़े से गीले हैं, वो पूरा ड्राई हो जाए। मैं बात करती हूँ जो राजदा भाभी हैं उनका नाम, वो मेरी, मैं उनको भाभी कहती हूँ, राजदा भाभी की, अभी हर कोई ने राजदा भाभी ही कहता है। अब मैं उनसे अम्मी के अलावा अम्मी उन्हें राजदा कहती हूँ, वो दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहता है, हमारे तरह से एक फैमिली टाइप है ये। तो अब मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? तो यह है राजदा भाभी जिन पे मैं बहुत यकीन करती हूँ, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे सब कुछ, मेकअप से लेके A to Z सब कुछ ये करती हैं। तो ये मुझसे हर कोई पूछता है कि अपने बालों में कौन सी ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो ये है ट्रीटमेंट जो मैं लेती हूँ, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तीन ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हेयर रिलैक्सिंग, हेयर एक्सटेंसो, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंसो जो है लॉरियल का है और क्या कहते हैं इसमें सॉफ्टनेस होती है और 6 मंथ की उसकी लास्टिंग होती है। किस वाले में? एक्सटेंसो में। हाँ। और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिलैक्सिंग जो होती है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, उसको हम लोग थोड़ा लाइट करते हैं केमिकल को ना, तो उसमें जो है बाल सॉफ्ट होता है और थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अच्छा। और उसकी भी 8 to 1 year तक उसकी लास्टिंग होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन है 1 year तक, जब तक आपकी ग्रोथ नहीं आती है, बाल जब ग्रो करते हैं
तो उसके साथ साथ जो है ना लेना चाहिए बालों के टेक्सचर के हिसाब से। देखिए करने पे भी डिपेंड करता है हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, हाफ पे हाफ कर रहे होते हैं, अगर फुल की ज़रूरत पड़ती है बालों को देख के फिर काम करते हैं ठीक है। और नुकसानदेह ये है कि अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो नुकसानदेह वो अच्छी सूरत में भी होंगे और बुरे में भी होंगे। नॉर्मल हेयर टाइप वालों कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नॉर्मल वाले जो हैं हम लोग ची भी यूज़ करते हैं और शॉर्टस्कॉप भी यूज़ करते हैं, वो कौन सा लें ट्रीटमेंट, जैसे रिलैक्सिंग है, बाउंडिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन है? रिलैक्सिंग ले लें वो। और जो माइल्ड्स हैं? माइल्ड्स हैं वो एक्सटेंसो या हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरे बाल टाइप वाले? हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। सर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जिनके बाल रफ से भी हो रहे होते हैं या सही भी होते हैं, जिनको ऐसे ज़रूरत नहीं होती बालों की बट उनको फिर भी एक होता है कि वो कुछ करवाएं अपने बालों के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? देखिए हम कैरेटिन दे रहे होते हैं उसमें स्ट्रेटनिंग नहीं होती, हम कैरेटिन ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं। और वो कितने मंथ्स तक होती है? वो मंथ्स का नहीं होता, वो बस बालों को अच्छा कर देते हैं। वो आपका जो है ना अंदर से इंटरनली काम कर रहा होता है कि जो आपके हेयर ग्रो कर रहे होते हैं या आपकी शाइनिंग करते हैं, ग्लॉसिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने बालों पे भी ये यूज़ करते हैं कि मंथली वीकली कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। लोग कहते हैं ना आपके बालों का क्या राज है, तो यही राज होता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। मेरे बालों में जो ट्रीटमेंट होती है और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जी, उसकी प्राइस क्या है? इसकी 10,000 शोल्डर लेंथ है। शोल्डर लेंथ से 10,000 जी, और लेंथ के लिहाज से बढ़ती वो बढ़ता जाता है, वो आपका थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल थिकनेस। और कितना कैसा टेक्सचर है? टेक्सचर अगर बहुत हार्ड वाला उसका बाल है तो 12 भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12,000 शोल्डर लेंथ। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ची का प्रोडक्ट है, इस वजह से ये हम लोग ज़्यादा लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम मेरे व्यूअर्स को, मेरे फैम को कुछ शेयर करना चाहेंगे? हम यही कहते हैं कि अपने आप को हमेशा मेंटेन रखें जैसे इन्होंने अपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है। बहुत अच्छे से इन्होंने खुद को मेंटेन रखा हुआ है। नाइस पर्सन इनसाइड आउट, अम्मी दूर से कह रही हैं वेरी नाइस पर्सन इनसाइड एंड आउट। थैंक यू, थैंक यू, एंड व्हिच इज रियली ट्रू। सो यहाँ पे आएंगे, जौहर चुरंगी में है, नियर दारुल सेहर, ब्लॉक 14, अलीशा ब्यूटी सैलून। इनकी बेटी का नाम है, बात हुई इनकी बेटी के नाम पे सैलून है। मैं आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ, ये है क्या करता है। ये फर्स्ट है जिससे ये बालों का बाउंड होता है, और जो है इससे फर्स्ट क्रीम हम लोग इसको यूज़ करते हैं, देन इसके बाद इसकी एप्लीकेशन के बाद हम लोग उसको निकाल देते हैं, स्लिंस कर देते हैं। आपके मुझे लगे ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है। और ये जो है ये बाउंडर है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट तो हम लोग जैसे ये शैम्पू, फिर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद अभी तुम्हारा लास्ट में ये लगेगा मिस्ट, ठीक है? अच्छा, टॉप ऑफ करने के लिए सब कुछ मिस्ट भी लगेगा। मैंने इनका सीरम यूज़ किया हुआ है जो इन्हीं से लिया था, और वो बहुत अच्छा सीरम है। जब यूज़ किया था ये लास्ट में हम लोग एक शाइन करते हैं हमारा, करें ट्रिमिंग की ज़रूरत है नीचे से, बहुत आधा इंच काटी हुई है, कितना अच्छा सा ग्लो आ गया। शाइन चेक करें गाइस, और इसमें काम नहीं हुआ, फिंगर काम किया है जस्ट, बहुत स्मूथली जा रहा है। और इसको हम लोगों ने वॉश करके आपके सामने ब्लो ड्राई के साथ किया है। मुझे ट्रिमिंग चाहिए भाभी, आप बताएं, बहुत कम काटिएगा। ये हो गए मेरे बाल फ्रेश, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे घोड़े की पूंछ। एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का,
अच्छा है तभी मैं बार बार करवाती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले 2013 में मैंने हेयर रिलैक्सिंग करवाई थी, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि एक तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि हेयर रिलैक्सिंग ही करवा देते हैं, तो बस एक एक्सपेरिमेंट था, बट आई डिड नॉट लाइक इट क्योंकि वो बहुत डेड हो जाते हैं और मुझे डेड बाल नहीं पसंद, तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन है, डेड बाल नहीं पसंद क्योंकि फिर मैंने कलरिंग करना स्टार्ट की तो बाल डैमेज हो जाता है उससे, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द बेस्ट थिंग। आई वुड सजेस्ट टू यू गाइज, जो भी अपने बालों के हेयर यू नो कलर कर करके अगर वो तंग आ चुके हैं, उनके बाल ख़राब हो गए, तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द बेस्ट। और अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आप गुलिस्तान जौहर के करीब रहते हैं, इफ़ नॉट इवन अगर आप कहीं और भी रहते हैं, तो आप जौहर में आएँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पे आएँ, एंड आई एम श्योर दे वुड नॉट लेट यू डाउन। यू गाइज, आप लोग को पता है मैं हमेशा अच्छी चीज़ का ही रिव्यू देती हूँ और आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, सो दिस इज़ द थिंग विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज। और अगर आप जाएँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू कोई जाए वहाँ पे, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू सी यू गाइज सून इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर फॉर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, एंड अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।